पिछले दिनों देश के कई राज्यों में बारिश और ओले पड़ने से न सिर्फ खेतों में लगी फसलों को नुकसान का अंदेशा है, बल्कि मंडियों में धान बेचने के लिए गए किसानों की गाड़ियां और मंडियों में पड़े अनाज की बारिश भी भीग गई है, जिससे उनके अनाज खराब होने की आशंका बढ़ गई है। देश के कई हिस्सों में ठंड के मौसम कारण बारिश हुई है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। कई जगहों पर 30 से 35 mm तक बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों में पानी भर गया है और ओले पड़ने से भी खेतों की फसलें खराब हो गई हैं। बारिश से होने वाले फसलों के फायदे नुकसान पर नज़र डालें तो बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब्जियों की फसल के लिए ये आफत साबित हुई है। वहीं सरसों की फसल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इस समय सरसों की फसल की फलियाँ में भरपूर दाना आ चुका है। ऐसे में बारिश के कारण उन फलियों के खराब होने का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं बारिश के चलते मटर, टमाटर, प्याज की फसल को भारी नुकसान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बारिश से टमाटर और मटर के फूल गिर जाएंगे। ओले गिरने से लहसुन और चने की फसल को नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरफ मंडियों में धान बेचने आए किसानों को भी बारिश के चलते भारी परेशानी हुई है। धान से लदी गाड़ियां बारिश के कारण भीग गई हैं। साथ ही मंडी में पहले से रखे अनाज के सड़ने का संकट भी और ज्यादा बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।